नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सौरभ, टेक केयर में आपका स्वागत है। और आप लोग शायद जानते हो कि शाओमी ने रेडमी 3S और 3S प्राइम को लॉन्च कर दिया है इंडिया में। जी हाँ, कुछ ही घंटों पहले उन्होंने लॉन्च किया है अपना लॉन्च इवेंट में, और उन्होंने दोनों वर्षन लाया है इंडिया में। एक है शाओमी का रेडमी 3S और दूसरा है शाओमी का रेडमी 3S प्राइम। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है। मैं सिर्फ आपको स्पेसिफिकेशंस बताऊंगा और उसके साथ साथ इस स्पेसिफिकेशन से आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो वो बताऊंगा, लेकिन कोई रिव्यू ये नहीं है, ये मेरा एक ओपिनियन है। और जब फ़ोन सेल होगा मार्केट में, फ्लिपकार्ट और Mi.com से ये फ़ोन शाओमी सेल करेगा, तो तब मैं आप ज़रूर फ़ोन का एक रिव्यू ज़रूर दूंगा अगर मैं फ़ोन को पाऊँ तो। तो चलिए शुरू करते हैं स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो पहले आएंगे प्रोसेसर के बारे में। तो इसमें एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 430 का, स्नैपड्रैगन 430 चिपसेट है। यहाँ पे ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जिसमें से चार कोर जो है 1.4 गीगाहर्ट्ज में चलता है और बाकी के चार कोर्स 1.2 गीगाहर्ट्ज में चलता है। आर्किटेक्चर है कॉर्टेक्स का A53, वो बहुत पुराना आर्किटेक्चर नहीं है, काफ़ी नया ही है आर्किटेक्चर। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक ये जो प्रोसेसर है ये अच्छा परफॉर्मेंस देगा। और GPU के मामले में इसमें है एड्रेनो का 505 GPU, जो कि मुझे जो एक अच्छा पावरफुल GPU है। और चलिए इसके बाद मैं बात करूंगा डिस्प्ले के बारे में। तो दोनों ही फ़ोन में एक 5 इंच का 720p HD डिस्प्ले है, जो अब शायद आप लोग जानते हो कि Xiaomi का डिस्प्ले का क्वालिटी बहुत ही अच्छा होता है। तो प्रोसेसर और डिस्प्ले को अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे लगता है कि जो काफ़ी सारे हद तक गेम्स है आजकल दिन में, जो हाई एंड गेम्स बताऊँ तो वो सब अच्छे से चलेगा इस 720p डिस्प्ले में। और इसके बाद हम लोग आएंगे कि रैम और इंटरनल स्टोरेज के बारे में। तो यहाँ पे ही दोनों फ़ोन्स है Redmi 3S और Redmi 3S Prime, इन दोनों में यहाँ पे ही एक डिफरेंस है। Redmi 3S में आपको 2GB 16GB का जो एक कॉम्बो होता है वो मिलेगा, और Redmi 3S Prime में आपको 3GB और 32GB का जो है कॉम्बो मिलेगा। और अगर मेरी बात मानो तो मैं तो ज़रूर 32GB के लिए जाऊंगा, क्योंकि इसमें जो सिम स्लॉट्स है वो उसमें एक हाइब्रिड सिम स्लॉट है, जो मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता। क्योंकि अगर आप चाहो तो दो सिम इंस्टॉल करो, अगर आप मेमोरी कार्ड इंस्टॉल करना चाहते हो तो आपको एक सिम और एक मेमोरी कार्ड आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मेरे जैसे लोगों के लिए 32GB इंटरनल ही सफिशियंट है, 16GB पे तो मेरा होता नहीं, तो मुझे पता नहीं आप क्या करोगे। तो यही एक डिफरेंस है दोनों के मामले में, कि जो एक में है 2GB 16GB का कॉम्बो, एक में है 3GB और 32GB का कॉम्बो। और चलिए अब बात करें कैमरे के परफॉर्मेंस के बारे में। और जो स्पेसिफिकेशन है दोनों फ़ोन में ही काफ़ी हद तक सेम है। और कैमरे के मामले में दोनों ही फ़ोन में 13 मेगापिक्सल का सेंसर है बैक में। और यहाँ पे मैं कह दूँ कि जो कैमरा है, Xiaomi का दावा है कि कैमरे में जो फीचर है PDAF, यानी कि फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस जो सेंसर है, जो फीचर है कैमरे में, इस Xiaomi का दावा है कि 0.1 सेकंड में ये किसी भी ऑब्जेक्ट को फोकस कर सकता है। तो हम लोग वो भी देखेंगे जब मैं रिव्यू करूंगा, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और जो फ्रंट का जो कैमरा है, एक्चुअली बैक कैमरे में कुछ और बताया, बैक कैमरे में आपको मिलेगा एक 13 मेगापिक्सल का सेंसर, मैंने तो बता ही दिया, डुअल 1080 फ्लैश, और उसके साथ साथ आपको मिलेगा एक F2.0 अपर्चर वाला एक सेंसर, जो मुझे लगता है कि लो लाइट में भी आपको काफ़ी हद तक एक अच्छा फोटोग्राफी देगा। और फ्रंट में आपको मिलता है कि 5 मेगापिक्सल का कैमरा जिसका अपर्चर है F2.2। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा लो लाइट में, लेकिन हाँ जब नॉर्मल लाइटिंग हो या फिर ब्रॉड डेलाइट हो तब आपको बहुत अच्छा सेल्फीज और यानी कि फ्रंट कैमरा का जो सैंपल है वो मिलेगा। और दोनों ही कैमरा 1080p में रिकॉर्ड कर सकता है, ये एक अच्छी बात है Xiaomi की तरफ से। और इसके बाद मैं बात करूँगा बैटरी के मामले में। तो दोनों ही फ़ोन में 4100mAh का बैटरी है। तो मुझे Xiaomi का दावा है कि ये बैटरी जो है यहाँ ये आपको 2 दिन का लगभग बैटरी बैकअप देगा। और उसके साथ साथ Xiaomi ने ये भी कहा कि जो Redmi 2 और Redmi 3 Prime, तो ये जो दोनों का फ़ोन है इसमें से Redmi 3S बहुत ही और भी पतला हो चुका है 4100mAh बैटरी के होने के बावजूद भी। तो ये जो है Redmi 3S का जो स्पेसिफिकेशन है, और जो है पूरा मेटल बॉडी है दोनों ही फ़ोन में। और एक अच्छी चीज़ है, दोनों ही फ़ोन में आपको आयर ब्लास्टर मिलेंगे, लेकिन एक चीज़ है जो आपको सिर्फ 3GB वर्जन में ही मिलेगा, वो है फिंगरप्रिंट सेंसर। जी हाँ, Xiaomi ने दोनों फ़ोन जो लॉन्च किया है उन दोनों में ही फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, सिर्फ 2GB 16GB में आपको ये नहीं मिलेगा, 3GB और 32GB का जो वर्जन है उसमें ही मिलेगा। तो ये रहा स्पेसिफिकेशंस और आपको क्या क्या मिल रहा है किस प्राइस में। तो इसके बाद मैं आऊँगा प्राइसिंग और कहाँ पर ये बिकेगा इसके बारे में। तो फ्लिपकार्ट और Mi.com में ही ये फ़ोन आपको मिलेगा और कुछ कहाँ पर भी नहीं, ओपन सेल होगा। Xiaomi ने कहा है ओपन सेल होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे फ़ोन ओपन सेल नहीं होते हैं, ये जब भी
वेब पेज में आएंगे, फ्लिपकार्ट और मी डॉट कॉम में आएंगे, 2-3 सेकंड या फिर 5 सेकंड में सब सेल हो जाएगा, मेरा ये मानना है। क्योंकि जब भी कोई ऐसा फ़ोन आता है, कंपनी कहता है कि ओपन सेल है, रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन वो ओपन सेल नहीं होता, वो फ्लैश सेल की तरह ही होता है। तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके बाद प्राइसिंग, तो प्राइसिंग जो है 2 GB 16 GB के लिए आपको देना पड़ेगा 7,000 रुपया, और जो 3 GB 32 GB है इसके लिए आपको देना होगा 9,000 रुपया। तो 3,000 का जो डिफरेंस है, सॉरी 2,000 का जो डिफरेंस है, ये मुझे अच्छा लगा। क्योंकि आपको एक्स्ट्रा 2,000 में आपको 1 GB एक्स्ट्रा रैम मिलेगा, 16 GB का एक्स्ट्रा इंटरनल स्टोरेज मिलेगा, और उसके साथ साथ एक फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलेगा। अगर इंटरनल स्टोरेज के बारे में आपको मैं कुछ और बताऊँ, तो जो ये है, मैंने देखा कि जो 16 GB है वो EMMC 5.0 एडिशन का है, और जो 32 GB है वो EMMC 5.1 एडिशन का है। तो हाँ, जो 32 GB का एडिशन है वो 16 GB से फास्ट होगा, ये मुझे मेरा मानना है। तो मेरा तो दावा है कि आप सारे के सारे लोग 32 GB के लिए भागो, लेकिन मैं जानता हूँ कि सब आप नहीं पाओगे, कि 32 GB आपको शायद नहीं भी मिलेगा, क्योंकि उसके लिए सब लोग दौड़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए, और सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलना, क्योंकि मैं K5 Note का भी रिव्यू करूंगा, और Redmi जो 3S है इसका भी रिव्यू करूंगा जब ये मार्केट में आएगा। तो तब तक के लिए अलविदा, आपका दिन शुभ हो, और जय हिंद, वंदे मातरम।